सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड आज है वेडनेसडे और मेहुल के लंच बॉक्स में जा रहा है सैंडविच। अभी तो फ्रूट काट रही हूँ, एप्पल फ्रूट बॉक्स भी भेजना बहुत ज़रूरी होता है भैया। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी मर्जी ले जाओ, कुछ भी मर्जी मत ले जाओ, जैसे खाना खाओ नहीं खाना। अब यहाँ पर कंपलसरी है कि बच्चों को फ्रूट देना जरूरी है, क्योंकि बच्चों की इस तरह से हैबिट बन जाती है। एंड मैंने जो सैंडविच बनाया है वो बनाया है टमाटर प्याज और स्वीट कॉर्न का, तो इस तरह से मेहुल को बहुत पसंद आई। मेहुल रेडी हो गया है, मेहुल मुझे बाय करके जा रहा है और मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम करती हूँ। पढ़ के आ चुका हूँ घर, और जैसे ही मैं घर आया मैंने मम्मा से पूछा आज अपने व्लॉग बनाया है कि नहीं। मम्मा ने कहा नहीं, क्योंकि मेरी बाजू में दर्द हो रही थी इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई, तो आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगा। कितना मुश्किल काम होता है ना व्लॉग बनाना, है ना मम्मी? बहुत मुश्किल काम होता है। मम्मी आप बना लिया खाना, मैं खा चुका हूँ खाना। तो गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, ये मैंने सेव कल रात को फ्रीजर में रखा था और यह अब हो चुकी है, खाना भूल गया था ठंडा करके। अब मम्मी कह रही है खराब हो चुका है, इसके अंदर मॉइस्चर आ चुका है। और सेब भी खराब होते हैं फ्रीजर में पड़े, मैंने पहली बार सुना है। एंड दोपहर को यहाँ पर आ गया है हमारा सामान जो कि हमने मंगवाया था बिग बास्केट से। कुछ घर का है ग्रोसरी का सामान जो कि हमें इमरजेंसी के लिए चाहिए होता है तो हम ऑर्डर कर लेते हैं, नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि मार्केट नहीं जाना पड़ता, घर पे ही आ जाता है सेम रेट का, तो हमें बेनिफिट ही होता है। तो अभी अभी हमारा एक पार्सल आया था जिसमें हमने ग्रोसरी मंगवाई थी और अभी दूसरा पार्सल रिसीव हो गया, अभी एक तीसरा भी आना है ना, तीसरा भी पूरी हो गई तो हाँ, तो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या आया। तो ये तो मेरा पीआर पार्सल है और जो हमने पहले मंगवाया था, मतलब वो पहले ग्रोसरी आई थी वो हमने पैसे देके मंगवाई थी। काश वो भी कोई पीआर करते। पीआर होता क्या वैसे? प्रमोशनल, प्रमोशन के लिए। मुझे पार्सल खोलने में बहुत मजा आता है, पार्सल लेने में भी बहुत मजा आता है, पैसे मेरे ना लगे हो बस। और मुझे पार्सल तोड़ने में बड़ा मजा आता है। वाओ, तोड़ दो पार्सल। इतना बड़ा अम्मा, ये क्या है? हेयर शैम्पू और हेयर मास्क। ये लगा सकते बच्चे? नहीं, बहुत ही जल्दी मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, पहले मैं इसे ट्राई करके देख लूँ कि कैसा है। लग तो अच्छा रहा है, मतलब पैकिंग से तो मुझे बच्चे लग रहा। लगा सकते इसका रिव्यू आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो हम अपना, पापा नहीं आए, लेट हो गए, तो हम अपना भी फोन नंबर तोड़ते हैं। इसको खोल के देखती हूँ, मेरे को ना आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट प्रोडक्ट कि अंदर से कैसा है। मैं इसको खोलता हूँ, मैं बिना कैंची के तोड़ दिया। खुशबू देखते हैं इसकी कैसी है। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है यार। इस खुशबू तो अभी अभी आ रही है। इससे पहले मेरे पास आया था ना एक प्रोडक्ट, वो भी मास्क बहुत अच्छा था, मतलब मैंने उसको फिनिश करके ही। इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। बार बार मत छू, स्मेल हो जाएगी। यहाँ से कर ले बेटा, इससे ज्यादा नहीं, चिपचिप हो जाएगी। पार्सल ये पीआर है, शैम्पू और हेयर मास्क। खुशबू सूंघ रहा है। आ गया, वो भी आ गया। ये लोग क्यों दे रखे इसके अंदर? बेटा लोग देते हैं, देख ऐसे अगर हम लोग लगाएंगे तभी ये निकलेगा, अगर ऐसे हम लगा के रख देंगे फिर ये निकलेगा नहीं ना, ऐसे खराब नहीं होगा। अच्छी है पैकिंग, मुझे लग रहा है सुपर होगा, बाकी ट्राई करने के बाद पता चलता है। फटाफट जाके खाना खाते, पापा आ गए। चलो अब सुपर क्या होता है? अच्छा सुपर, देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं इतनी? अरे मैंने सुपर सुना यार, सुपर 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 बी लगाने से फर्क क्या पड़ेगा? चुप रह। तो गाइस मैं धो रहा हूं बर्तन क्योंकि मम्मी की बाजू में दर्द हो रही थी। मम्मी ने करवा ली, मैं खुद धो रहा हूं। मम्मी तो कह रही है मत धो, मैं धो लूंगी। काम बढ़ जाएगा, मैं कर दूं। ऐसे थोड़ी धोते हैं बर्तन, जैसे तू धो रहा है फिर कैसे धोते हैं?
तो आज मेहुल को ना मेरी हेल्प कराने की बहुत ही ज्यादा पड़ी हुई थी कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराता हूँ, पहले ये बर्तन धुलवाने लगे, जबकि इस बर्तन इसको धुलने बिल्कुल भी नहीं आते। हाँ कभी कभी मेरी चाय बनवाने में हेल्प कर लेता है या थोड़ी मैगी वैगी बना लेता है, बट बर्तन तो अभी छोटा है बर्तन के लिए, लेकिन बोल रहा कि नहीं मम्मा मैं आपकी हेल्प कराता हूँ, आपके बाजू में दर्द है। तो मैंने कहा पहले सीख ले फिर हेल्प करा दियो, कभी इमरजेंसी में हेल्प कराने की जरूरत पड़ती है तो पहले सीख ले कैसे धोते हैं। तो क्योंकि सारे झूठे बर्तन ऐसे ही छोड़े जा रहा था और अभी छोटा है तो फिर मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी डाल सकती हूँ, बट अपने मन से बच्चे अगर हेल्प करते हैं तो अच्छी बात है, बच्चों को ये चीज़ें भी आनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ती है ना। तो दोपहर का लंच करने के बाद यहाँ पर मम्मी और पापा गोसिप कर रहे हैं, गोसिप के साथ साथ थोड़ी बहुत नोक चोक भी कर रहे हैं जो कि एज यूजुअल इनकी चलती ही रहती है। तो कहते हैं ना कि एज के साथ प्यार बढ़ता है लेकिन प्यार के साथ साथ नोक चोक भी बढ़ती है। और मैं यहाँ पर पापा को बोल रही थी कि मैंने कहा पापा दिखाओ मैं सबको कि आप लड़ते हो, फिर बोलते हैं मैं तो लड़ता ही नहीं हूँ मैं तो लड़ता ही नहीं हूँ, लेकिन पापा मानते ही नहीं है, बोल देते हैं फिर बाद में कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं है, और मैं और हस्बैंड देखो इन दोनों की लड़ाई देख रहे हैं। ऐसे ही चलता रहता है, मतलब एक तो होती है ना कि नई नई शादी में नए नए कपल की लड़ाई होती है, छोटी मोटी नोकझोंक होती है, बट हमारे घर में तो उल्टा है भाई, यहाँ पर लेकिन हंसी मजाक की नोकझोंक चलती रहती है। और मम्मी को देखो हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। देखो मेहुल को आज इसका फुल मूड है मेरी हेल्प कराने का, कभी कभी तो मैं इसको बोलती हूँ ना तो बिल्कुल भी हिलता ही नहीं है, मम्मा आप कर लो ना, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हो गया कि हर चीज में बिना कहे हेल्प कराया जा रहा है। इसने यहाँ पर खाना खाया तो यहाँ पर इसने टेबल भी साफ कर दी बहुत ही अच्छे से, और बाद में आके लेट गया मेरी गोदी में क्योंकि अब ट्यूशन जाने का टाइम है, तो बोला कि 5 मिनट में आपकी गोदी में लेट जाता हूँ, मुझे आपकी गोदी में लेटने मेरा बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मजा आता है। तो मन्नू ट्यूशन चला गया और जस्ट मुझे एक और पार्सल रिसीव हो गया, ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पेज के प्रमोशन के लिए, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या आया है। बस हमारी यही कमाई है, अदरवाइज इंस्टाग्राम वाले पैसे तो देते नहीं है, बस यही कोलैबोरेशन के थ्रू ही हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमारी मेहनत पसंद आ रही है किसी को। ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर मुझे मिला है ये लैंप है, नाइट लैंप, कुछ कस्टमाइज है, इसमें हमारी पिक्स लगी हुई है हमारी फैमिलीज की, और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, अमेजिंग। इसको चढ़ा के दिखाती हूँ आपको, ओ वाओ, वायर बहुत छोटी है इसकी, मुझे वहीं रखना पड़ेगा जहां पर मुझे ये सॉकेट मिले, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इसमें मैंने अपनी फैमिलीज की फोटोज लगवाई हैं और मम्मी पापा की फोटो लगवाई है। मैं यही खड़ी हूँ ना, कुछ भी नहीं। हाँ तो तू 4-5 चक्कर तो कार, आप एक अनुभव कर लो। बे मेरे पैर में दर्द हो रही है, मैं खड़ी हूँ यहीं पे, ठीक है, ध्यान से गिर मत जाइयो। तो ये देखो इस मोटू को, मैंने इसे बोला था जितनी देर साइकिल चलाएगा ना उतनी देर ही मैं तेरे को फोन में गेम खेलने की परमिशन दूंगी, साइकिल चलाएगा तो थोड़ा शायद वेट भी लूज हो जाएगा। और यहाँ अंदर आके ये खा रहा है समोसे, क्योंकि मम्मी लाए थे कहाँ से, प्रसाद लाए थे सत्संग से। तो गाइस तो अभी बज चुके हैं रात के 10 और डिनर हो चुका है हमारा, एंड आज हम खा रहे हैं खट्टा मीठा आम जो कि हस्बैंड लाए थे, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए थे, सीजन नहीं है आम का लेकिन उनको दिख गए तो मम्मी के लिए आए, क्योंकि मम्मी के लिए फेवरेट है ये आम, तो हम लोग खा रहे हैं, लेकिन टेस्ट किसी को भी नहीं आ रहा है, लेकिन खट्टे बहुत खट्टे आम लग रहे थे। तो आज का व्लॉग हम यही खट्टे मीठे आम के टेस्ट के साथ खत्म करते हैं। सो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।